हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजू अग्रवाल आप सभी का अपने किचन में स्वागत करती हूँ। आज मैं टमाटर की खट्टी मीठी लुंजी बनाऊंगी। आइए बनाते हैं। इसके लिए मैंने गैस पर एक कढ़ाई को रखा है और इसमें हमने थोड़ा रिफाइंड ऑयल डाला है। इसे आप घी में भी बनाइएगा तो बहुत अच्छा बनेगा। और घी गर्म हो गया है तो इसमें मैंने तेज़पत्ता और लाल मिर्च डाला है और थोड़ा जीरा डाल दी हूँ। और ये सरसों का दाना है, इसमें पचफोरन का छौंक देते हैं तो अच्छा बनता है। ये सौंफ है और ये मेथी का दाना है और ये थोड़ा हींग भी दे रही हूँ। इन सब से हमारी जो ये टमाटर की खट्टी मीठी लुंजी बनेगी ये बहुत अच्छी बनेगी, बहुत टेस्टी बनेगा। इसे आप रोटी के साथ, स्टफ पराठा के साथ, किसी के भी साथ खाइए, बहुत अच्छा लगेगा। और इसे मैंने सबको मिला दिया और ये टमाटर मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट के रखा था, इसे अब हमने इसमें डाल दिया है। और साथ में ही टमाटर के साथ ही मैंने एक हरी मिर्च भी चॉप्ड करके रखी थी और अब सबको हम मिला देंगे। फ्रेंड्स, आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो और आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को बेल के साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब इसमें मैंने थोड़ा नमक डाल दिया है, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और हल्दी थोड़ा दिया है मैंने। बेल के साथ आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं जो भी नई वीडियो डालूँगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। अब इस तेज़पत्ता बहुत बड़ा साइज़ का हो गया है तो इसे मैं दो टुकड़े में कर देती हूँ। अब इसे हम थोड़ी देर इसी तरह से चला लेंगे। और आप मुझे चाहें तो इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप मुझे ज़रूर से फॉलो करना। अब थोड़ी देर के लिए मैंने इसे कवर कर दिया है, 10 मिनट तक मैं ऐसे ही कवर करके इसे पकाऊंगी। देखिए टमाटर हमारा सॉफ्ट हो गया है और आधा ये पक भी चुका है। अब इसे थोड़ा सा हम चम्मच से दबा दबा कर थोड़ा इसे चलाएंगे। अब इसमें बिल्कुल थोड़ा सा आधा कप के अंदाज इसमें पानी डाल देंगे। पानी डाल देने से ये हमारा सूखा सूखा नहीं बनेगा। अगर आपके टमाटर में बहुत रस हो तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं अब धनिया पाउडर डाल रही हूँ, धनिया पाउडर से इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अब थोड़ा ये मैं लाल मिर्च डालूँगी। लाल मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। ये मैंने थोड़ा सोंठ पाउडर डाला है, अगर आपके पास सोंठ पाउडर नहीं हो तो कोई बात नहीं है, आप फ्रेश अदरक को क्रश करके डाल दीजिएगा, अदरक से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आप भी हमारी तरह सोंठ पाउडर घर में बनाना चाहती हैं तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपके लिए सोंठ पाउडर बनाने की रेसिपी भी लेकर आऊँगी। देखिए टमाटर हमारा कितना अच्छा से पक गया है। इसमें मैंने थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा कसूरी मेथी ऐड कर दी हूँ और इसे फिर से चला रही हूँ। अब इसका पानी बहुत सूख चुका है तो इसमें मैं ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आधा कप के अंदाज़ पानी और डालूँगी। और अब इसमें अपने टमाटर के हिसाब से इसमें चीनी डालेंगे और सबको फिर से वापस मिला लेंगे। और जब तक चीनी हमारा गलेगा तब तक इसे पकाना है। फ्रेंड्स, आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताइएगा। आपका कमेंट मिलता है तो हमें अच्छा लगता है। टमाटर हमारा देखिए कितना अच्छा से पक गया है। कोई कोई टमाटर ऐसा होता है जिसके छिलके थोड़े कड़े होते हैं तो उसे पकने में टाइम लगता है। टमाटर की लुंजी अब हमारी बन के तैयार हो गई है, देखिए बहुत अच्छा बना है। आप भी इसे ज़रूर से एक बार बनाइएगा और हमारे चैनल को लाइक भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा और साथ में सब्सक्राइब भी करिएगा और बेल को ज़रूर से प्रेस करिएगा, उसे प्रेस करना मत भूलिएगा। लुंजी हमारी बन के तैयार हो गई है, गैस के फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, इसकी मैंने प्लेटिंग कर ली है। मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी रेसिपी लेकर आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।